सभी का YouTube चैनल व्हीकल टीवी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप हैवी या कॉमर्शियल या ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से बनवा सकते हैं, उसकी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा किस स्टेट से आप हैवी लाइसेंस के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं, उसके बाद स्किप पे क्लिक करें। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप अपने लाइसेंस को कॉपी करना चाहते हैं या लाइसेंस में HMV या ट्रांस कैटेगरी ऐड कराना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट तो ऐड नहीं करा सकते, उससे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा उससे रिलेटेड। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा उसके 1 month बाद, 30 दिन बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस एंडोर्समेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। वो फाइनल स्टेप होगा, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी, उसको मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा किस तरीके से उसको देख सकते हैं। तो लर्निंग लाइसेंस का जो प्रोसेस है थोड़ा अलग है, तो उसी के बारे में बताने वाला हूँ। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो या सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद एप्लीकेंट्स होल्ड्स ड्राइविंग लाइसेंस, इस पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पे डाले अपना, जिसको अभी तक आप यूज करते हुए आ रहे हो वो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पे डाले, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाले। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा नाम, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ फादर नेम दिख जाएगा। अब कंफर्म पे क्लिक आप कर दीजिएगा। अब इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अगर आप आधार के थ्रू प्रोसीड करना चाहते हो, अगर आपके आधार में और ड्राइविंग लाइसेंस में डिटेल सेम है, जैसे कि नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अदर डिटेल सब सेम है और आधार से मोबाइल भी लिंक है, तो आप इस पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। इससे फायदा आपको ये होगा कि आपको RTO ऑफिस विजिट नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे ही आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। वहीं अगर आप विदाउट आधार प्रोसीड करना चाहते हो तो आप मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आपको RTO ऑफिस जाना होगा। अगर आपके आधार और लाइसेंस में डिटेल सेम है उसके बाद भी अगर आप विदाउट आधार प्रोसीड करना चाहते हो तो कर सकते हो। वहीं अगर डिटेल अलग अलग है तो फिर भी आप विदाउट आधार प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे हम विदाउट आधार प्रोसीड करना चाहते हैं तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे। चाहे आप आधार के थ्रू प्रोसीड कर रहे हो या विदाउट आधार प्रोसीड कर रहे हो, प्रोसेस सेम ही रहेगा। बस आधार वालों को फायदा ये होगा, आधार से अगर प्रोसीड कर रहे हैं तो उसमें फायदा ये होगा कि RTO ऑफिस विजिट नहीं करना पड़ेगा। वहीं विदाउट आधार अगर प्रोसीड कर रहे हैं तो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद RTO ऑफिस जाना होगा। तो चाहे आप किसी भी प्रोसेस से कर रहे हो, आधार से कर रहे हो या विदाउट आधार कर रहे हो, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक कीजिएगा। अब जो मोबाइल आपने यहाँ पे डाला है उस पर एक OTP चला गया है, वो OTP यहाँ पे डाल के ऑथेंटिकेट विद सारथी पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आपके सामने डिटेल ओपन होके आ जाएगी, कुछ डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई है लाइसेंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बर्थ प्लेस डाल दीजिएगा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पेज पर नीचे की तरफ आइएगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे डाल के सेम है प्रेजेंट पे करोगे तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगी। और अगर डिफरेंट डिफरेंट डिटेल है तो प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए, परमानेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद इस पेज पर नीचे की तरफ आ जाइएगा। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल -M/HMV गुड्स एंड पैसेंजर ट्रांस, इस पर क्लिक करके ये जो बॉक्स इस पर क्लिक कर देना है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 पे क्लिक कीजिएगा, इसको भर लीजिएगा। इसको भरने के तरीके की वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है, उसको आप देख सकते हैं। किस तरीके से चैनल पे देख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे
ये जो सर्च बार है इसमें आप सर्च कीजिएगा फॉर्म वन, या यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो फॉर्म वन स्पीड ड्राइविंग लाइसेंस, तो वहाँ पे वीडियो आपको दिख जाएगी। तो ये जो सबसे ऊपर वीडियो है इसको आप देख सकते हो, या इस पेज पर नीचे की तरफ आ जाओगे, यहाँ पे एक नई वीडियो अपलोड किया है 1 मंथ पहले, इसको भी आप देख सकते हो। किसी वीडियो को आप देख सकते हो, कंप्लीट प्रोसेस इन वीडियो में हमने बताया हुआ किस तरीके से आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। डिक्लेरेशन फॉर्म वन की जो वीडियो है उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, या इस वीडियो को एंड स्क्रीन में भी उसको लगा देंगे, तो वहाँ सीधा आप देख सकते हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको भर लेते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आके ये जो बॉक्सेस पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, उसके बाद बैक पे क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पे नो पे क्लिक कर देते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है तो ओके पे क्लिक कर देते हैं, परमिशन के लिए आ जाता है, ओके पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आ जाता है कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बी सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको दिख जाएगा, कहीं पे इसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन नंबर के आगे आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हो, स्टेटस देखना चाहते हो, तो इस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ही देख सकते हो। वैसे इससे रिलेटेड मैसेज आपके मोबाइल पे भी आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको दिख जाएगी, क्या क्या आपको अपलोड करना है, इन डॉक्यूमेंट्स में से आपके केस में कम या ज़्यादा हो सकती है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके में दिखा रहा है वो आपको अपलोड करने होंगे। बात करें फार्म वन सेल्फ डिक्लेरेशन, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा फार्म वन प्रिंट फॉर्म वन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप फार्म वन निकाल सकते हो सेल्फ डिक्लेरेशन का, इसको भर के स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। किस तरीके से करना होगा आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट फार्म वन है तो यहाँ पे क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, और आपके एरिया में जो गवर्नमेंट डॉक्टर उनसे इसको भरवा लीजिएगा और मोहर साइन करवा लीजिएगा उनसे, उसके बाद स्कैन करके अपलोड कर लीजिएगा अपनी एप्लीकेशन। किस तरीके से करना है तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। तो आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अगर आप ये जो अक्नोलेजमेंट या रेफरेंस स्लिप है इसको प्रिंट निकालना चाहते हो या सेव या डाउनलोड करना चाहते हो, तो प्रिंट अक्नोलेजमेंट पे क्लिक करके कर सकते हैं। आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म फॉर्मेट यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, और जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। अगर आपने पहले से ही निकाल लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकाला तो यहाँ से भी आप यहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वन निकाल सकते हो और यहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट निकाल सकते हो। वैसे इसके बारे में अभी मैंने आपको बताई दिया है पीछे कि किस तरीके से आपको ये निकालने हैं। पीछे भी अगर आपने वहीं से निकाल लिया तो अच्छी बात है, अगर वहां से नहीं निकाला तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो डॉक्यूमेंट अपलोड का मैं आपको बता देता हूँ, इस पेज पे नीचे की तरफ आप आओगे और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, ओके पे क्लिक करें, अब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हो उस पे क्लिक करके अपलोड आप उसको कर सकते हैं। जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना चाहते हैं तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आप डाल सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू है तो TDI हमने शॉर्ट में डाल दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस की डेट में इशू है वो डेट यहाँ पे डाल दिए, ड्राइविंग लाइसेंस में आपको दिख जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करना चाहते हो, जैसे आपने लाइसेंस यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे लाइसेंस सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो ड्राइविंग लाइसेंस आप अपलोड कर रहे हो वो आप सेल्फ अटेस्टेड अपलोड कीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करो सेल्फ अटेस्टेड अपलोड कीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड ऐसे कीजिएगा, आप फोटो कॉपी निकाल लीजिएगा अपने लाइसेंस की, फ्रंट और बैक पेज की फोटो कॉपी निकाल लीजिएगा, जो फर्स्ट फ्रंट पेज उसी में आ जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा आपका लाइसेंस फर्स्ट पेज भी, और जो बैक पेज है लाइसेंस का वो फ्रंट पेज पे ही आ जाएगा। उसके नीचे अपने साइन कर लीजिएगा, साइन के नीचे आप डेट लिख दीजिएगा किस डेट में आपने वो साइन किया, और साइन के नीचे ही सेल्फ अटेस्टेड आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसको अपलोड कर लीजिए, ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा। ऑप्शन आपको दिखेंगे व्यू कंफर्म क्रॉस, व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है गलत अपलोड कर दिया है। अगर बाय मिस्टेक आपसे आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो क्रॉस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट रीअपलोड आप कर सकते हो, अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए।
तरीके से आप अपने बाकी के सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। जब सभी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद इस पेज पर नीचे की तरफ आइएगा। अब आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना आपको पेमेंट करना है। तो 150 की आपको पेमेंट करनी है। यहाँ पे इशू न्यू LL ट्रांसपोर्ट व्हीकल डैश M स्लैश HMV गुड्स एंड पैसेंजर 150 की पेमेंट आपको करनी है। टेस्ट आपको नहीं, जो LL टेस्ट है वो RTO में आपका नहीं होगा। LL टेस्ट चाहे आप आधार से प्रोसीड कर रहे हो या विदाउट आधार कर रहे हो, तो LL टेस्ट देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 150 रुपये की आपको पेमेंट करनी है। ये जो पेमेंट है, अलग अलग RTO में पेमेंट कम या ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके इस SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिर्फ गेटवे ट्रेजरी है, जो भी आपका बैंक हो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालिएगा और सिंपली पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिए और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब अगर आप स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दिए, कार्ड नंबर डाल देते हैं। उसके बाद किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डाल दीजिए। किसके नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डाल देते हैं। CVV कोड की लास्ट की 3 डिजिट, CVV कोड की 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी वो यहाँ पे डालें। ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक कर दीजिए। अब जो मोबाइल पे OTP आया है जो कार्ड से लिंक है, वो OTP यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करें। अब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाता है। इस पेज पे 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये पेज ओपन होके आ जाता है। पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे दिखा रहा है, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकालना चाहते हो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। अब अगर ये प्रोसेस आपने आधार के थ्रू प्रोसीड किया है तो आपको RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर विदाउट आधार मोबाइल के थ्रू आपने प्रोसीड किया था, मोबाइल नंबर के थ्रू, तो RTO ऑफिस आपको जाना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आप एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके और एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल के सबमिट पे क्लिक करके एप्लीकेशन आपकी लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अदर्स पे क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाले, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाले, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म अपनी निकाल सकते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया एप्लीकेशन फॉर्म, सेकेंड पेमेंट रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो। ई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके ये डिटेल्स डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करके आप पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हो। अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग में चली गई थी या एरर आ गया था, एग्जिट हो गए थे स्पेस से आप, तो दो तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो या एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके प्रोसीड करके नीचे की तरफ आओगे पेज पे तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके ये डिटेल डाल के वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई आप कर सकते हो। ठीक है, दो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट रिसिप्ट। थर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। अपलोड आपने किया होगा, ड्राइविंग लाइसेंस किया होगा, वो ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। इसके अलावा जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। उसके बाद 2 या 3 पासपोर्ट साइज अपने फोटोग्राफ लेके जाइएगा। तो सिर्फ आपको ये लेके जाना है। लर्निंग लाइसेंस टेस्ट आपका वहाँ पे होगा ही नहीं, आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दोगे। तो उसके बाद यहाँ से आप स्टेटस देख सकते हो। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके ये डिटेल्स डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे तो स्टेटस आपको दिख जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है। जैसे ही लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस की एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाएगी,
तो उसके बाद लर्निंग लाइसेंस नंबर भी लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से लर्निंग लाइसेंस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करके ये डिटेल्स डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे, ओटीपी जाएगा उन नंबर पे, ओटीपी डालोगे, प्रोसीड करोगे तो यहाँ से लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। जिस डेट में लर्निंग लाइसेंस इशू हुआ है उसके 1 मंथ बाद, 30 दिन बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस एंडोर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट या हैवी एंडोर्समेंट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है हमने, वो आप देख सकते हो, या किसी भी यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हो। डीएल एंडोर्समेंट सिंपली ये सर्च कर दोगे तो ये वीडियो आपको दिख जाएगी, इसमें कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है। अगर आप यूट्यूब में भी सर्च नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो हमारे चैनल पे आने के बाद ना, यहाँ पे 1 मिनट, इस पे यहाँ पे सर्च आप करोगे एंडोर्समेंट, ENDORSEMENT एंडोर्समेंट सर्च कर दीजिएगा। तो ये जो वीडियो है इसको देख के कंप्लीट प्रोसेस आप कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है हमने कि किस तरीके से आप ड्राइविंग लाइसेंस एंडोर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हैवी का प्रोसेस भी बताया हुआ है कि डीएल को हैवी करना चाहते हो तो डीएल एंडोर्समेंट के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड कर रखी है, इसको आप देख सकते हो। इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, या इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी इसको लगा देंगे, या कमेंट बॉक्स में भी इसको प्रोवाइड करा देंगे, या अगर आप कमेंट करोगे तो एक नई वीडियो भी अपलोड कर देंगे जिसमें डीएल एंडोर्समेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम बता रहे होंगे। लाइसेंस रिलेटेड और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिंपली यहाँ पे लाइसेंस डाल दीजिएगा, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी काफ़ी लाइसेंस रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी, इनको आप देख सकते हो। सोशल साइट पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पर क्लिक करके इस पेज पर नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे सोशल साइट के लिंक भी दिए हुए हैं, सोशल साइट पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट की बात करें तो इस चैनल पे हम ओनली लाइसेंस और व्हीकल रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, अगर आप इनको देखना चाहते हो देख सकते हैं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा, फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।